हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो है हाफ शटल मशीन में बड़ी बड़ी टॉप क्यों आती है, इसका मैं रीज़न और सोल्यूशन दोनों मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड, हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना, उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल है उसे क्लिक करना, ताकि मैं मशीन से और स्टिचिंग से जुड़ी हुई वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी मशीन दिखा देती हूँ। क्यों, जैसे देख रहे हैं ये हमारी हाफ शटल मशीन है। ठीक है फ्रेंड, तो आपने मशीन देख लिया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें इस जगह एक हॉल है। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हो सुई भी लगी हुई है, सब चीज़ एकदम परफेक्ट ढंग से। ठीक है, तो हम पहले आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। ठीक है, हमारी स्टिचिंग में बड़ी बड़ी टॉप किस तरह की आ रही है या आ भी रही है या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप देख रहे हो कि हमारी स्टिचिंग ही नहीं हो रही है। ठीक है, हमारा जो धागा है जो सुई में लगा हुआ है, ये पकड़ नहीं रहा है कपड़ा में। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें तो बड़ी बड़ी टॉप आने का सवाल ही नहीं है, कुछ टॉप ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, और प्रॉब्लम कहाँ से होती है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं कपड़ा को बाहर की ओर ले लेती हूँ। ठीक है, बाहर लेने के बाद देखिए, इस जगह आपको एक हॉल सा दिख रहा होगा। ठीक है, जो देखिए इस जगह ये हॉल है। ठीक है, इस हॉल में एक छोटी सी नट होती है, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपको नट दिख रही है, जिस तरह से अगर आप बिल को घुमाएंगे ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो नट है ये ऊपर नीचे होता है, तो इस तरह से मैं बिल को घुमा रही हूँ, तो देखिए इस जगह आपको नट दिखती होगी। ठीक है, और मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए देख रहे हैं ये नट है। ठीक है, इस नट को हमें क्या करना है, टाइट करना है। ठीक है, ये नट कैसे ऊपर हो जाती है मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम स्टोन वगैरह जब सिलाई करते हैं, स्टोन वगैरह के जो ब्लाउज होते हैं, उस तरह के कपड़े को हम सिलाई करते हैं, या कुछ भी जिसमें स्टोन लगी हो, ठीक है फ्रेंड, तो उससे क्या होता है, ये जो हमारा गज का जो नट है ये लूज़ हो जाता है। ठीक है, लूज़ होने के बाद क्या होता है, हमारी तो नीडल्स तो टूटती ही टूटती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि नीडल्स टूट जाती है और जो हमारा ये नट है ये ऊपर की ओर घसक जाता है। ठीक है, घसकने का आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा गज घसक गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए इस तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मैं आपको बता रही थी वीडियो में, देखिए ये जो गज है, देखिए ये बहुत ऊपर तक आ रही है। ठीक है, और देखिए ये अंदर कहाँ तक ही जाती है। ठीक है, देखिए इसके अंदर ये जा नहीं रही है। ठीक है, मैं व्हील को घुमा रही हूँ, देखिए तो ये ऊपर जा रही है। ठीक है, ऊपर जा रही है, और देखिए इस जगह ये इससे नीचे नहीं जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो गज का जो सेटिंग है ये ख़राब हो चुकी है। ठीक है, इसके सेटिंग को हमें ठीक करना है। तो इसके सेटिंग को हम किस तरह से ठीक करेंगे, उस नट को टाइट करना होगा, और वो नट बहुत ही आसानी से टाइट हो जाता है। ठीक है, पर हमें थोड़ा सा अच्छे से दम लगा के टाइट करना होगा, ताकि नट हमारा फिर से इधर उधर हो ना। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम नट को टाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये टाइट कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये टाइट हो चुकी है, तो देखिए इस तरह से इसे हम इस तरह से हमने इसे पकड़ा। ठीक है, और देखिए ये थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, जो हमारा निडल है, निडल होल्डर में जो सुई लगी हुई है, देखिए ये होल्डर बोलते हैं इसे, आप गज भी बोल सकते हैं, और देखिए जो निडल होल्डर है हमारा नीचे चला गया है ना, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, और आप ऊपर भी ध्यान देना कि आपकी वो जो गज है वो नीचे आई कि नहीं। ठीक है, अगर आप ऊपर नहीं भी ध्यान दोगे तो आप नीचे की ओर ध्यान देना। ठीक है फ्रेंड, और इस तरह से इसकी सेटिंग हम आराम से कर सकते हैं, गज की सेटिंग हम आराम से कर सकते हैं, पर आपको दोनों हाथों को इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और इस तरह से आप नट को टाइट कर देना। देखो हमने इसे बहुत ही दम लगा के टाइट किया, ताकि ये फिर से घसके ना, ठीक है, स्टिचिंग के दौरान, और हमें प्रॉब्लम ना करे। तो देखिए ये हमारा सेटिंग इसकी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे, देखो मैंने थोड़ा सा स्टिचिंग किया है, स्टिचिंग की जो बखिया है, टॉप है, आपको पूरा अच्छे से दिख रही होगी,
देख रहे हो आप, ठीक है। इस तरह से आप अपनी मशीन को ठीक कर सकते हो, ठीक है। आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारी हाफ शटल मशीन है, तो आप देखो हमारी जो सिलाई की टाप है वो एक बराबर है, पूरा अच्छी तरह से है। ये तो हमारी ऊपर की टाप है, मैं नीचे की भी दिखाना चाहूँगी आपको। देखो नीचे की भी जो टाप है हमारी परफेक्ट है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।